वो सामने की तरफ आप देख सकते हो वहाँ पर भी दो केबल ट्री रखी हुई हैं रिमूव करके। ये बड़ी वाली केबल ट्री की मैं बात कर रहा था, ये देखो इसे रिमूव नहीं किया गया है, एक ये वाली है, दूसरी ये, उसके अलावा ये एक थर्ड वाली इधर है, इसे भी डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, और फोर्थ वाली ये। यहाँ पर आपको सिर्फ थोड़ी सी आउटर प्लेट दिखाई दे रही है, आउटर रूफ, अभी बाकी की उस तरफ भी रखी हुई है, इनर रूफ, आउटर रूफ, वो भी आपको दिखाएंगे। मुझे इस तरफ से चलना पड़ेगा, ये केबल ट्रे है और इस केबल ट्रे को पार करना पड़ेगा। गाइज वो आप सामने की तरफ देख सकते हो वहां पर फील्ड नंबर 1 से इनर रूफ की कटिंग स्टार्ट हो चुकी है। वो एक हॉपर है, ये दूसरा हॉपर है, ये तीसरा हॉपर है और वो चौथा हॉपर है। दो हॉपर मिला के एक फील्ड होता है और दो हॉपर मिला के एक सेक्शन भी बोला जाता है। और किस तरह से कटिंग होगी वो भी मैं आपको भी बता देता हूँ। जैसे ये पूरा का पूरा आप हॉपर देख रहे हो ना, तो इस हॉपर की प्लेट को दो पीस में कट करके निकाला जाएगा कुछ इस तरह से। ये जो आप सामने आउटर रूफ इनर रूफ देख रहे हो ना, तो ये पूरी दो पीस में निकाली गई है, ऐसा नहीं है कि तीन चार पीस में इसे किया गया है। एक हॉपर का जो भी प्लेट है आउटर रूफ इनर रूफ, उसे दो पीस में करके निकाला गया है और कुछ इसी तरह से अभी कटिंग हो रही है यहाँ पर। ये देखो गाइज, ये सारे ओल्ड वाले इंसुलेशन को यहाँ से रिमूव करके हटाया जा रहा है, इसे शिफ्ट किया जा रहा है बिल्कुल फील्ड नंबर 9 की तरफ, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको दिखाया था। ये जितना भी ओल्ड वाला इंसुलेशन आप देख रहे हो ना, ये सभी को हटा दिया जाएगा यहाँ से, बिकॉज ये सारी इनर रूफ को कट करना है कुछ इस तरह से। ये आप देख लो, ये आपके सामने एग्जाम्पल है, दोनों में डिफरेंस देख लो कितना है। ये फील्ड नंबर 1 का एरिया है, ये सेक्शन 2 और ये सेक्शन 1। और रिमूव होने के बाद ये जितना भी आप देख रहे हो ना, ये सब जब रिमूव हो जाएगा तो कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा। ये ESP के टॉप एलिवेशन से फील्ड नंबर 1 और 2, ये पूरा का पूरा अभी खाली है और हमें इसी फील्ड को इरेक्शन करना है, फील्ड नंबर 1 और 2 को। इसमें सभी इक्विपमेंट को असेंबल करना है, एमिटिंग फ्रेम, कलेक्टिंग फ्रेम, जो कुछ भी एमिटिंग सस्पेंशन अरेंजमेंट का मटेरियल होता है, उसके अलावा कलेक्टिंग सस्पेंशन अरेंजमेंट का मटेरियल होता है, वो सब असेंबल करना है एक एक करके। ये चारों हॉपर में, ये फील्ड 1 का सेक्शन 1 और 2 का एरिया है और ये फील्ड 2 का सेक्शन 1 और 2 का एरिया है, जिसके ऊपर अभी इंसुलेशन और इनर रूफ लगा हुआ है, जिसे रिमूव किया जाएगा। ये देखो गाइस किस तरह से इनर रूफ प्लेट की कटिंग होती है, इस वीडियो में आप आसानी के साथ देख सकते हो। यहाँ पर दो गैस कटर लगे हुए हैं और दोनों के हाथ में गैस कटिंग टॉर्च है, जिसके थ्रू इनर रूफ प्लेट की कटिंग हो रही है। ये एक हॉपर की इनर रूफ है, जिसे दो पीस में कट किया जा रहा है, जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हो। ये पूरा एरिया एक हॉपर का एरिया है और इसे दो पीस में कट किया जाएगा, एक पीस तो ये वाला और दूसरा वो वाला। सेम इसी तरह से चारों हॉपर के इनर रूफ को कट किया जाएगा, जैसे अभी आप वीडियो में देख रहे हो। अभी ये फर्स्ट हॉपर की कटिंग हो रही है, फील्ड नंबर 1 के फर्स्ट हॉपर की, और इसे दो पीस में कट करके निकाला जाएगा। सेम इसी प्रोसेस से चारों हॉपर के इनर रूफ को कट किया जाएगा कुछ इस तरह से। जैसे अभी आप देख सकते हो, ये फील्ड नंबर 1 का सेक्शन 1 है और यहाँ से इनर रूफ, इंसुलेशन और आउटर रूफ सभी चीजों को रिमूव कर दिया गया है। अब ये जो आप सपोर्ट बीम देख रहे हो, कलेक्टिंग सस्पेंशन अरेंजमेंट का सपोर्ट बीम, इसे रिमूव किया जाएगा, एक ऊपर वाला और दूसरा नीचे वाला। गाइस मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो आप इनर रूफ की कटिंग देख रहे हो ना, ये फील्ड नंबर 2 के हॉपर नंबर 1 की कटिंग हो रही है और इसी तरह से चारों हॉपर की कटिंग होनी है। ये फर्स्ट हॉपर, उसके बाद सेकेंड, देन थर्ड, उसके बाद फोर्थ, चारों हॉपर की कटिंग होनी है और सिर्फ कटिंग करके छोड़ दिया जाएगा। अभी इस इनर रूफ को रिमूव नहीं किया जाएगा, थोड़ी थोड़ी जगह को छोड़ दिया जाएगा, 100% कटिंग नहीं होगी। अगर 100% कटिंग कर देंगे तो ये इनर रूफ नीचे चला जाएगा, ऑफकोर्स नीचे नहीं जाएगा, बिकॉज नीचे में सपोर्ट बीम वगैरह लगे हुए हैं, पर क्या होगा कि लोगों को प्रॉब्लम होगी, इनर रूफ इधर उधर से मिसप्लेस हो जाएगा, तो फिर इसे निकालना हमारी मजबूरी हो जाएगी। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, कि इस इनर रूफ को रिमूव नहीं करेंगे, सिर्फ कट करके छोड़ देंगे ऐसे ही चारों हॉपर को, बिकॉज अभी हमें इस वाले फील्ड में काम करना है। ये फील्ड नंबर 1 का सेक्शन नंबर 1 है और वो आगे की तरफ सेक्शन नंबर 2 है, तो अभी हमें इरेक्शन इसी वाले फील्ड में करना है, सेक्शन 1 और 2 में। जब ये चार हॉपर का इरेक्शन हो जाएगा, अभी ये सपोर्ट बीम को कट करना है, उसके साथ में ये जो भी अटैचमेंट वगैरह लगा हुआ है ना, ये सब रिमूव करना है, सारा मटेरियल न्यू लगाया जाएगा। तो जब ये चार हॉपर कंप्लीट हो जाएगा, इसका इनर रूफ, आउटर रूफ वगैरह लग जाएगा, स्पेशली इनर रूफ लग जाएगा, तो उसके बाद फिर हम इस वाले हॉपर में काम करेंगे। अभी इसे कट करके छोड़ देंगे, रिमूव नहीं करेंगे। अगर हम रिमूव कर देंगे तो फिर हमें इस तरफ में आने जाने में प्रॉब्लम होगी, तो अभी कटिंग कर दी जा रही है ताकि हमारा काम आसान हो जाए। जब हम इस वाले हॉपर में काम करें तो हमें ज्यादा कटिंग ना करनी पड़े, बस जो भी थोड़ा थोड़ा एरिया हो उसे कट करके फटाफट ये सारे जो भी इनर रूफ हैं उसे रिमूव कर दिया जाए एक एक कर होस्ट मशीन के थ्रू। जैसा कि आपने देखा किस तरह से सारे इनर रूफ को रिमूव किया गया, शिफ्ट किया गया है इस वाले फील्ड से, सेम ऐसे ही
ये सारे इनर रूफ को रिमूव किया जाएगा, शिफ्ट किया जाएगा हॉइस्ट मशीन के थ्रू। वो सामने देखो हॉइस्ट मशीन लगी हुई है, उसी हॉइस्ट मशीन के थ्रू ये सारा इनर रूफ रिमूव किया जाएगा, यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा। अभी कुछ बंदे हैं जो इंसुलेशन हटा रहे हैं, आपने देखा थोड़ी देर पहले। गाइज ये फील्ड नंबर 2 की इनर रूफ रिमूव करने के बाद कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा ईएसपी का इंटरनल एरिया, ईएसपी के टॉप एलिवेशन से। ये आप देख सकते हो इस वीडियो में कितना डेंजर आपको दिखाई देता है ईएसपी का इंटरनल एरिया। और इसी इंटरनल एरिया में सभी इक्विपमेंट को असेंबल करना है, मतलब कि जो भी एमिटिंग सस्पेंशन अरेंजमेंट और कलेक्टिंग सस्पेंशन अरेंजमेंट का मटेरियल है, जो कुछ भी है वो सब हमें एक एक कर असेंबल करना है ये पूरा का पूरा ईएसपी इंटरनल एरिया में। ये सेक्शन 1 का एरिया है फील्ड नंबर 1 का, और आगे की तरफ सेक्शन 2 का एरिया है फील्ड नंबर 2 का, मतलब कि 4 के 4 होपर को हमें असेंबल करना है। और ये सब कुछ किस तरह से होगा आपको आने वाली वीडियो में पता चलेगा, किस तरह से ईएसपी का इरेक्शन का काम होता है, किस तरह से ईएसपी इंटरनल को असेंबल किया जाता है, वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी मेरे चैनल पर। सो आप चैनल से जुड़े रहना ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। अब आप इस एंगल से देखने की कोशिश करो कितना आपको फर्क दिखेगा ईएसपी के फील्ड 1 और फील्ड 2 में। ये फील्ड 2 का एरिया है जिसके ऊपर अभी इनर रूफ लगा हुआ है, और ये फील्ड 1 का एरिया है जिसके ऊपर से इनर रूफ, इंसुलेशन और आउटर रूफ को हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। अब ये सिर्फ सपोर्ट बीम वगैरह को हटाना बाकी है, उसके बाद हमारा इरेक्शन का काम स्टार्ट होगा। ये सेक्शन 1 और आगे की तरफ सेक्शन 2 में। ये जो आप केबल ट्रे देख रहे हो इसे एज इट इज हम लोगों ने ऐसे ही छोड़ दिया है, अगर हम इसे डिस्टर्ब करेंगे तो हमारा काम बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो हमें चीज़ों को बचाना है, कम से कम डैमेज करना है ताकि हमारा काम आसानी के साथ हो जाए। ये देखो गाइज ये सामने में कुछ बंदे हैं जो ओल्ड वाले इंसुलेशन को यहाँ से हटा रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं फील्ड नंबर 9 की तरफ, और बाद में उसे 0 मीटर तक शिफ्ट कर दिया जाएगा और वहाँ से वो ट्रक या ट्रेलर के थ्रू डंप कर दिया जाएगा स्क्रैप यार्ड में। गाइज कुछ इस तरह से प्रिपरेशन वर्क होता है ईएसपी के टॉप एलिवेशन पर। जो कुछ भी आपने आज की इस वीडियो में देखा वो सारा प्रिपरेशन वर्क था। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा क्या कुछ एक्टिविटी हुई है ईएसपी के टॉप एलिवेशन पर वो भी आपसे अभी शेयर करूंगा। सो आप वीडियो को एंड तक देखना, उसके बाद इस वीडियो को एंड करूंगा। यहाँ पर जो भी प्रिपरेशन वर्क का काम हुआ है, ऐसा नहीं कि ये सब आज का आज कंप्लीट हुआ है, पिछले 4-5 दिनों से हमारा प्रिपरेशन वर्क का काम अंडर प्रोग्रेस में है। बात करें फील्ड नंबर 1 के सेक्शन 1 और 2 की, जो इस वक्त आप वीडियो में देख रहे हो, तो यहाँ की इनर रूफ प्लेट, आउटर रूफ, इंसुलेशन, ये सभी को पिछले 4-5 दिनों से रिमूव किया जा रहा था। उसके अलावा जो एक्टिविटी हुई है मैं आपको एक एक करके अब बताता हूँ। बात करें इस तरफ की फील्ड नंबर 2 की, तो यहाँ पर से आउटर रूफ को रिमूव कर दिया गया है, अब सिर्फ इंसुलेशन और इनर रूफ बाकी है। इसे अभी रिमूव नहीं किया जाएगा, सिर्फ इंसुलेशन को हटा दिया जाएगा और इनर रूफ की कटिंग करके छोड़ दी जाएगी, बाकी का काम बाद में होगा। यहाँ पर जो भी प्रिपरेशन वर्क का काम हुआ है, ऐसा नहीं कि ये सब आज का आज कंप्लीट हुआ है, पिछले 4-5 दिनों से हमारा प्रिपरेशन वर्क का काम अंडर प्रोग्रेस में है। ये फील्ड नंबर 1 के सेक्शन नंबर 1 और 2 की जो भी चीज़ों को रिमूव किया गया है ये पिछले 4-5 दिनों से काम हो रहा था। जो इस वक्त आप वीडियो में देख रहे हो, यहाँ पर से इनर रूफ, आउटर रूफ और इंसुलेशन को रिमूव कर दिया गया है। उसके अलावा वहाँ से इलेक्ट्रिकल HVR ट्रांसफार्मर को रिमूव किया गया है, दूसरा वाला यहाँ से रिमूव किया गया है। उसके अलावा यहाँ पर ड्रेन लाइन थी जो ट्रांसफार्मर से कनेक्ट होती है, ट्रांसफार्मर के बेस से, उसे रिमूव किया गया है। कुछ केबल ट्रे थी छोटी वाली, उसे रिमूव किया गया है। तो ये सारी एक्टिविटी पिछले 4-5 दिनों से कंटिन्यू हो रही है, ऐसा नहीं है कि ये सब आज का आज कंप्लीट हुआ है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक दिन में 2 फील्ड के सभी सामान को रिमूव कर दिया जाए, जो भी लगा होता है इनर रूफ, आउटर रूफ, वो सब एक दिन में पॉसिबल नहीं है कि रिमूव कर दिया जाए। सबसे पहले फील्ड 1 के सेक्शन 1 और 2 का इरेक्शन होगा, पर उससे पहले ये जो अटैचमेंट वगैरह लगे हुए हैं सपोर्ट बीम, इसे रिमूव किया जाएगा। फिर इसकी इंटरनल वॉशिंग होगी चारों हॉपर की, उसके बाद हमारा इरेक्शन का काम स्टार्ट होगा। बात करें क्या कुछ एक्टिविटी हुई है, तो सबसे पहले वहां से इलेक्ट्रिकल HVR ट्रांसफार्मर को रिमूव किया गया, शिफ्ट किया गया, उसके नीचे के बेस को हटाया गया है, दूसरा वाला यहां से हटाया गया है। उसके बाद यहां कुछ केबल ट्रे थी उसे हटाया गया है, यहां पर ड्रेन लाइन थी जो ट्रांसफार्मर के बेस से कनेक्ट होती है उसे हटाया गया है। उसके अलावा ये देखो वायर रोप लाइन जो है ना खींची गई है एक पास से दूसरे पास तक आउटर रूफ और इनर रूफ हटाने के लिए, उसके साथ वो पुली कनेक्ट है और उस पुली में चैन पुली कनेक्ट है, तो
यही जुगाड़ है जिससे आउटर रूफ और इनर रूफ को शिफ्ट किया जाता है, वहाँ वाले आउटर रूफ इनर रूफ को यहाँ वाले को उसे शिफ्ट किया जाता है, बीच में लाके इस होस्ट मशीन के ऊपर ट्रांसफर किया जाता है और फिर उसे उस तरफ में जाकर रख दिया जाता है। उसके अलावा यहाँ से थर्ड वाले ट्रांसफार्मर को शिफ्ट किया गया है, उसकी हाउसिंग देख सकते हो आप, और फोर्थ वाले ट्रांसफार्मर को वहाँ से शिफ्ट किया गया है। सारे ट्रांसफार्मर को उधर आगे की साइड में रखा गया है। कुछ केबल ट्रे को इधर से रिमूव किया गया है, उसके अलावा कुछ केबल ट्रे को इधर से रिमूव किया गया है। सभी चीज़ों को रिमूव करके उस साइड में रखा गया है, आगे की साइड में, जिधर हमें काम नहीं करना है। काम सिर्फ दो फील्ड में है और दो फील्ड के चार सेक्शन में है, ये सेक्शन टू, ये सेक्शन वन, फील्ड नंबर वन का, और ये फील्ड नंबर टू का सेक्शन टू, और ये सेक्शन वन, और इसी चार सेक्शन में काम करना है, मतलब कि दो फील्ड में हमें काम करना है। यहाँ पर मैकेनिकली दो फील्ड बोला जाता है, पर इलेक्ट्रिकली इसे चार फील्ड काउंट किया जाता है, तो इस हिसाब से पास सी में चार फील्ड में काम होना है और यूनिट नंबर वन में, पास डी में छह फील्ड में काम होना है। गाइज, अब आप इस एंगल से देखने की कोशिश करो किस तरह से जुगाड़ बनाया गया है वायर रोप से। ये जो आप वायर रोप देख रहे हो ना, दो लगी हुई है, एक यहाँ दूसरा वहाँ, इसका एक एंड आपको पास डी में मिलेगा और इसका दूसरा एंड पास बी में है। ये दोनों लाइन को खींचा गया है इनर रूफ आउटर रूफ को शिफ्ट करने के लिए। उसमें देख लो किस तरह की पुली लगी हुई है, पुली से चैन ब्लॉक कनेक्ट है और इसी के थ्रू यहाँ का आउटर रूफ इनर रूफ रिमूव होता है। रिमूव होने के बाद इस पर हैंग होकर वो आगे जाता है होस्ट मशीन के पास, फिर उसके बाद आउटर रूफ इनर रूफ का जो लोड है ना वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है होस्ट मशीन के ऊपर और होस्ट मशीन से वो फिर आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया जाता है जहाँ पर ये सारी आउटर रूफ इनर रूफ रखी हुई है। ये सभी चीज़ों को टेक्निकल तरीके से सोचना पड़ता है, तभी जाके काम आसानी के साथ होता है। ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये सारा प्रिपरेशन वर्क है। किसी भी बड़े काम को करने से पहले उस काम की तैयारी करनी होती है और इस वक्त वही काम हो रहा है ईएसपी के टॉप एलिवेशन पर। आप खुद से सोच सकते हो कि यहाँ की आउटर रूफ और इनर रूफ को अगर मैनुअली शिफ्ट करना हो इस पोजीशन से उस पोजीशन तक तो कितना मुश्किल काम होगा, पर इस वायर रोप की वजह से, पुली और चैन ब्लॉक की वजह से इसी आउटर रूफ और इनर रूफ को इजीली यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाता है वहाँ तक। उसके बाद होस्ट मशीन के थ्रू उसे कहीं भी ले जाया जा सकता है, बिल्कुल 9 फील्ड तक, मतलब कि फील्ड नंबर 9 तक उसे शिफ्ट कर सकते हैं इजीली। यहाँ पर एक वायर रूप में दो पुली को यूज़ किया गया है, एक बीम के इस तरफ में जिस बीम में होस्ट कनेक्ट है और दूसरा बीम के उस तरफ में, मतलब कि एक सेक्शन के लिए सेपरेट एक पुली को। यहाँ पर दो सेक्शन है एक फील्ड में तो इसीलिए दो पुली को यूज़ किया गया है, ये फील्ड टू के लिए और वो सामने जो आप पुली देख रहे हो वो फील्ड वन के लिए, वहाँ पर सेक्शन टू का एरिया है और उधर में सेक्शन वन का एरिया है। तो कुछ इस तरह से जुगाड़ बनाया गया है वायर रूप के थ्रू आउटर रूफ इनर रूफ को शिफ्ट करने के लिए। इसके अलावा और भी बहुत से तरीके हैं इनर रूफ आउटर रूफ को शिफ्ट करने का, वो मैं आपसे किसी और वीडियो में शेयर करूँगा। गाइज, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन ईएसपी के टॉप एलिवेशन से प्रिपरेशन वर्क से रिलेटेड। आई होप आपको पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।